हेलो एवरीवन, दिस इज लेजी आर कार। आज हम लोग फेडर के मैप में, तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि हम लोगों को रियल्म का पोर्टल मिल चुका है, और रियल्म में बहुत सारे तीन अलग वेज है अलग अलग रियल्म में एंट्री करने का। तीनों अलग अलग रियल्म्स जो है वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एसगार्ड का बात करते हैं, तो एसगार्ड कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प करता है। ये एक मिनट, मैं अपने डायनोस को चेंज कर लूँ। एसगार्ड हमें हेल्प करता है सैडोमन से ये सबको टेम करने में, और उसके अलावा अगर बाकी को जैसे देखा जाए, जो कि आइस वाला एरिया था जिसके बारे में मैं कंफर्म था, तो वो कहीं ना कहीं जगह है फेनरिस को लेने के लिए। और एक और जो जगह है वो वेनहेम, वो एक्चुअली में जगह है। एक मेरा ओवरवेट शायद हो गया। ओके, मुझे लगा नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट चलेगा। ठीक है। हाँ, ये जो जगह था वेनहम, वो है फॉरेस्ट टाइटन्स और फॉरेस्ट वाइवन्स के लिए। हर एक एक एरिया सब चीज़ों का एक एक इंडिकेशन देता है, और उन लोगों का। तो एक्चुअली में मुझे कहीं ना कहीं दो चीज़ों का ज़रूरत था, अलग अलग रियल्म को सर्च करना, और उसके बाद दो ऐसे क्रिएचर्स को टेम करना जो कि उन रियल्म के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे कि फेनरिर जो कि आइस वाले रियल्म का था, और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो एसगार्ड जो कि सेडोमेंस के लिए था। तो मैं सेडोमेंस के लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहा था। लाइक सेडोमेंस क्या होता है कि पासिव टेम्स हैं, और उन लोगों को टेम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई हाई क्वालिटीज के फिश ही ट्रैप करके दिया जा सकता है। ये सिचुएशन चल रहा था, बट क्या हुआ कि फिश बास्केट के बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो ये रे फिश बास्केट, जिन लोगों को नहीं पता, ये एक्चुअली जेनेसिस का हिस्सा है, और ये हेल्प करता है किसी भी फिश को इसमें ट्रैप करके, टेम करने के बाद उसको दूसरे जगह हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको कहीं पर भी रिलीज कर सकते हैं। मीन्स ये फिश बास्केट का काम है, बट ये फिश बास्केट कहीं ना कहीं हेल्प करता है इसको भी टेम करने में, कैसे मैं बोलूँ, सेडोमेंस को। और सेडोमेंस जब सोए रहते हैं तभी उनको फिश बास्केट खिलाया जाता है, बट सेडोमेंस को अगर अच्छे क्वालिटीज़ के साथ टेम करना है तो उन लोगों को हाई क्वालिटी के, हाई साइज़ के, एक्चुअली क्वालिटी नहीं बोला जा सकता है, हाई साइज़ के फिश खिलाने पड़ेंगे जो कि फिश बास्केट में ट्रैप हो। तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या होगा कि हम लोगों को ऐसे फिश को ढूंढना है जिन लोगों का साइज अप्रोक्सीमेटली 1.5 से ज़्यादा हो, तो बेटर रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि गेम में देखा जाए तो तीन टाइप के ही फिश अवेलेबल है जिन लोगों को हम ट्रैप कर सकते हैं। पहला हुआ कोलियोकांत, उसके बाद फिर पिराना, और उसके बाद एक और लास्ट है सेबरटूथ सैल्मन्स। अब तीनों में से अगर मैं देखूँ तो मैं बाकियों को, क्या हो रही है, मुझे हर जगह ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था इसलिए। हाँ, तो बाकी फिश को टेम करने के लिए मैं कहीं ना कहीं वाइल्ड में जा सकता हूँ, और आराम से मैं उन लोगों को ढूंढ सकता हूँ। बट क्या हो रहा है कि ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ डेंजर्स ही हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जगह मैं दिखा देता हूँ कि ये जगह मैं क्यों प्रिफर करता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं एक्चुअली टेम करना चाहूँगा। पहले मैं इन लोगों के लीचेस और लैम्ब्रिस को निकाल लेता हूँ जो कि मुझे कहीं ना कहीं डैमेज देंगे, तो उन लोगों को मैं पहले यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। वो लोग आई थिंक मेरा पीछा कर रहे होंगे तक, नो तो कर देना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कोई ना कोई लैम्प्रेस आ गए। ये चीज़ अच्छा है कि गीगा कभी भी सैलमन्स को कभी अटैक नहीं करता, ये चीज़ बहुत अच्छा सच में हो। एक बना सोने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो क्या लैम्प्रेस निकले वाटर से? नहीं, थोड़ा मुझे और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जैसे लीच तो पूरा बॉडी में लग जाते हैं और उन लोगों को फिर निकालने के लिए इतना दिक्कत होता है, ठीक वैसे ही लैम्प्रेस भी मेरे साथ करें। तो पहले तो मैं उन लोगों को मार देता हूँ, और फिर उसी के बाद हम लोग वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्या आ रहे हैं? नहीं, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर और कुछ अवेलेबल है। तो ये जगह मुझे क्यों पसंद है उसके बारे में बताता हूँ, तो देख लेते हैं। ये ना, ये जगह, ये जो जगह एक्चुअली यहाँ पे सैलमन सिर्फ भरे हुए हैं, और अगर मैं यहाँ पे क्वालिटीज़ को चेक करूँ तो ऑलमोस्ट 0.9 देखा हूँ, 1.31 दिखा मुझे, और आई थिंक 0.7। तो मुझे अगर टेम्स करना है तो क्या करना है कि मुझे 1.5 के आसपास टेम करना है, और वही सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ भी होंगे, और वही सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ के, मीन्स सबसे ज़्यादा टेमिंग इफेक्टिवनेस के साथ सेडोमोन्स को टेम भी कर सकते हैं। अगर हम लोग हाई लेवल के फिश बास्केट खिलाते हैं इसको, ओह इसका वेट फुल हो चुका है, मैं ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरे इस आइटम्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गीगा को मैं ज़्यादा देर के लिए रखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मैं अपने
मेविंग से चले जाऊंगा, उसमें उतना दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए एटलीस्ट मुझे ज़रूरत है। लास्ट टाइम मैं मेविंग से यहाँ पे अटैक करने के लिए सिर्फ एलिमेंट लेने के लिए आया था और फंस गया था पूरा, तो मैंने कहा उसके चक्कर में मैं फंस गया था। देखते हैं कि जितना भी लैम्प्रीस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे तो सही है, वरना तब भी मैं एक बार के लिए शॉर्ट गन्स निकाल लेता हूँ। ख़त्म हो गए मे बी, सो सैलमन तो वैसे तो मुझे दिख रहे हैं। एक्चुअली मैं मुझे स्कूबा लेके आना चाहिए था ताकि मैं पानी में आराम से रहता और फ्री। तो दो चीज़ें, पहला कि जैसा कि मैं एक फिश बास्केट को मैं ऑलमोस्ट ऑलरेडी एक टेम करके ट्राई कर चुका हूँ जो कि एक 1.2x का है, और हम लोग के पास शायद और फिश बास्केट्स नहीं हैं, तो शायद मुझे और बनाना पड़ेगा। लाइक अराउंड मैं 10-20 बना के कंप्लीट करके रख लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, लगता है किसी चीज़ की कमी पड़ गई है। ठीक है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, अच्छे क्वालिटीज़ के ढूंढेंगे। बट वो सब करने से पहले मैं एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ कि क्या होता है नॉर्मली फिश बास्केट क्यों इतने हार्ड होते हैं। मैं बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है, चल क्यों नहीं पा रहा। हाँ, सो जब हम लोग वाटर में जाते हैं और फिश बास्केट हम लोग जब पानी में या फिर किसी भी फिश के आसपास लगाते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे वैसे तो कहीं फिश दिख नहीं रहे, कहाँ गया, सो अगर क्या मुझे कोई अच्छे हाई लेवल के मिल रहे हैं, जैसे कि ये वन है और ये वन बहुत भाग रहा है। ठीक है, ओ बीच में मुझे बहुत ज़्यादा ही बड़ा साइज का एक सैल्मन मिला है। आई होप कि ये ज़्यादा बेटर हो। एंड 1.6, ओ अब सही है, तो आई थिंक ये भाग रहा है मेरे से। तो इसके पास अगर मैं बास्केट डालता हूँ तो क्या होगा कि मुझे पूरा वेट करना पड़ेगा कि वो कब उसके आसपास रहेगा। ठीक है, पहली बात, अगर मान लो कि वो आया तो उसको यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा तब जाके ये फिश बास्केट उसको कैच कर पाएगा, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो वाटर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एक फिश को फिश बास्केट में कैच करने में। बट मुझे एक ट्रिक के बारे में पता चला जिससे हम लोग फिश को इजीली बिना टेंशन के ट्रैप कर सकते हैं, तो वो क्या है, उसके लिए हम लोगों को एक और चीज़ का ज़रूरत होगा, वो है वुडन केज। तो वुडन केज कैसे हेल्प करता है वो मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या है कि मेरा जो पिकअप टाइमिंग है वो डिजेबल्ड है, तो मेरा इतना टेंशन नहीं है, बट जिन लोगों का पिकअप टाइमिंग भी है मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ कि उन लोगों को बिना इतना वेस्ट किए कैसे कर सकते हैं। सो पहले एक फिश को ढूंढना है, जैसे कि ये वन है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो 1.6 किधर गया। सो ये 1.6, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको इस बास्केट के अंदर ट्रैप कर देंगे। किधर गया, एक बार रुक गया तो सही। हाँ, सो ये बास्केट के अंदर भाग गया, जस्ट बास्केट के अंदर वो ट्रैप हुआ था और उसके बाद अचानक से वो भाग गया। ठीक है, तो आई थिंक यही है, जस्ट इसके ऊपर पूरा ऐसे डाल देना है ताकि ये भाग ना सके। तो ये 1.6 है, क्या करेंगे कि जैसे ये ट्रैप हुआ इसके अंदर, इसके जस्ट पास में एक फिश बास्केट गिरा देना है, आराम से वेट करना है और थोड़ी देर यहाँ पे देखना है ये होल्ड कर रहा है उसको, कैच कर रहा है, कर रहा है, और जैसे थोड़ा टाइम हुआ उसके बाद ये ट्रैप हो चुका है, तो मुझे बस इसको ट्रैप करना है। और ये रहा फिश मेरे बास्केट के अंदर। तो ये था सबसे सिंपलेस्ट तरीका एक्चुअली मैं फिश बास्केट को कंप्लीट करने का। अब अगर मैं यहाँ पे अपने आप को कंपेयर करूँ तो क्या हो रहा है कि मेरे पास दो टाइप की फिश बास्केट्स हैं, दोनों को मैं पहले ऊपर कर देता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे। ओह, सो यहाँ पे ग्लो करते हैं क्या सच में, सेवर टू सेलमन शायद मैं भी अलग अलग लें। तो ये मेरा 1.2x का कोलियोकांथ है और ये मेरे पास दूसरा है सेबर टूथ जो कि एक्स है, और ये 1.6 है जो कि आई थिंक 1.5 से ज़्यादा बेटर है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर रहेंगे। लेवल और कल फीस कौन से वो मैटर नहीं करता है सेडामेंस को टेम करने के लिए, रेदर उन लोगों का साइज मैटर करता है। सो ये अब यहाँ पे अगर हम स्पॉइलिंग टाइम देखेंगे तो एक जो फीस बास्केट रहता है मैक्स टू मैक्स 40 मिनट के लिए वो रह सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा और वो फीस भी खो चुके होंगे। अब अगर मैं दूसरे वाले का देखूँ तो यहाँ पे मेरा ये 17 मिनट लिया। तो क्या होता है कि अगर हम लोग इसको इन लोगों को अगर अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं तो ये लोग 1 मिनट के बाद गायब हो जाएंगे, बट इन लोगों को रिफ्रेश भी किया जा सकता है। अब मैं बताता हूँ कैसे, इन लोगों को हम लोग अपने इन हॉट बार्स में डालना है, जैसे कि इसका 17 मिनट्स है एंड इसका 28 मिनट्स है, जस्ट एक बार वाटर में चले जाना है। ये हम लोग एक बार वाटर में गए और जैसे हम वाटर से बाहर निकले तो क्या होगा कि ये जो था ये हो गया 40 मिनट, ये भी हो गया 40 मिनट।
तो हम इन सभी को बार बार रिफ्रेश ऑटोमेटिक इजीली कर सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ट्रिक हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में, कि इन लोगों को अगर ज़्यादा दूर पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, जैसे कि किसी को टेम करना है, तो वहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हो उस समय। बट कहीं ना कहीं दिक्कत ये हो रहा है कि चार, जैसे कि ये अगर मैं देखूँ तो 4 kg का एक्चुअली एक 4 weight का एक्चुअली एक फिश बास्केट होता है, बट उसके अंदर जब फिश ट्रैप हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं 15 weight हो जाता है वेट करके। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए तो। तो क्या करेंगे इसको कि आराम से इन लोगों को ले जाके मैं अपने मेविंग्स में डाल सकता हूँ। मेविंग में जब मुझे अगर शैडोमैन मिलता है, तो शैडोमैन मिलने के बाद क्या करूँगा कि आराम से फिर उसको मेविंग से निकाल के फिर उनको ट्रैप करने के लिए डाल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरा मेविंग बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करने वाला है मेरे रियल में। ट्रैवलर भी मेरा वही है, आइटम कलेक्टर भी वही है, हर चीज़ के लिए मेरा कहीं ना कहीं वही हेल्प करेगा। तो ये है, हम लोग एक्चुअली 1.6 जैसे कि अभी मिल चुका है, तो हम लोग और कम क्वालिटीज़ के टेम नहीं करने वाले हैं। जैसे कि ये एक्चुअली में कितना है, ये तो 1.0 है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 1.3 है, मैं एक्चुअली 1.5 से अब नीचे एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर हम लोग शैडोमैन को 1.5 खिला देते हैं, तो अगर उससे कम क्वालिटी का उसको खिलाएंगे तो उसका टेमिंग इफेक्टिवनेस गिर जाता है। बट सिचुएशन ऐसा है कि मान लो कि मैं एक बार उसको 1.5 खिलाता हूँ, और उसके बाद बाकी भी अगर उसको 1.5 खिलाते जाऊँगा, तो क्या होगा कि उसका टेमिंग इफेक्टिवनेस पूरा का पूरा 100% रहेगा। सो मुझे उसी का वेट है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि एक शैडोमैन को टेम करने के लिए अगर वो मैक्स लेवल रहा, हाफ लेवल रहा, लाइक हाई लेवल रहा, 300 ना ही मिले चलेगा, 120, 150, 250, 300 जितना भी लेवल का मिलेगा ठीक है, बट वो सब कितने फिश बास्केट लेंगे वो आइडिया नहीं है, और वो सियोर के भी नहीं बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोगों को एटलीस्ट उतना बास्केट तो लेके जाना है जो हम लोगों को पूरा तरीके से सपोर्ट कर सकें। सो आई थिंक ये जगह पूरा खाली है, क्योंकि मैंने यहाँ के सब चीज़ों को मार दिया था। तो यही तरीका है। वैसे तो मैं चाहूँ तो अभी यहाँ से ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकता हूँ, जहाँ पर मुझे और सैलमन्स मिलेगा, वाटर वाला जगह पे। हम लोग वहाँ पे भी अभी जा ही रहे हैं। बट जैसे कि अगर ये रहा सबसे शॉर्टकट तरीका, अकेला वीडियो वैसे भी कॉमन ही होने वाला है, क्योंकि मैं आगे बस फॉलो अप करके सब कुछ कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया अच्छे से ये कि कैसे फिश बास्केट्स को टेम करना है, तो आप लोग यहाँ पे ये वीडियो को बंद कर सकते हैं, और मेरा यहीं तक का मोटिव था। बट मैं अभी थोड़ा और आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ ना, एक्चुअली कंटिन्यू यहीं पे ये वीडियो भी बंद कर देता है। मीन्स मेरा मेन सब चीज़ यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे करना है। सो मे बी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, तभी अगर आप लोगों को ऐसा डाउट है कि कुछ समझ में नहीं आ गया, तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं नीचे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।